हेलो दोस्तों, मैं आज आपको मंगलवार के उद्यापन की विधि बताने जा रही हूँ और उसमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। वह मंगलवार का व्रत उद्यापन करने के लिए जिन सामग्रियों की आवश्यकता होती है वह है चमेली का तेल, लाल रक्त सिंदूर, फूल, फल, मिष्ठान जैसे लड्डू, जलेबी, बूंदी, जो भी आपकी इच्छा हो, और हनुमान जी का चोला। याद रखें, अगर आप महिला हैं तो हनुमान जी का चोला आप खुद से अर्पित नहीं कर सकते हैं, किसी पुरुष से करवाएं, जैसे कि पंडित से करवा लें या आपके घर के किसी पुरुष से करवाएं। अब उद्यापन कैसे करें? अपने आसपास के किसी मंदिर में जाए या घर पर ही, अगर आप करना चाहते हैं तो घर पर ही कर सकते हैं। मंदिर जाए और सारी सामग्री लेके जाए। सिंदूर को चमेली के तेल में घोले, हनुमान जी के सामने दीपक प्रज्वलित करें चमेली के तेल का। उसके बाद आप हनुमान जी के ऊपर लाल सिंदूर और चमेली के तेल का लेप लगाएं। इसके बाद उनको चोला पहनाएं और चोला पहनाने के बाद फल और मिष्ठान का भोग लगाएं। उसके बाद उनकी आरती करें। हनुमान जी की पूजा के साथ हमेशा याद रखें कि राम भगवान की पूजा और गणेश जी की पूजा जरूर करें। राम भगवान की पूजा बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हनुमान जी राम भगवान के भक्त थे, तो उनकी भक्ति हमें तभी प्राप्त होती है जब हम राम भगवान की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद पंडित जी को दक्षिणा दे, जो भी आपकी इच्छा हो। उसके बाद आप 11 या 21 या आपकी जितने भी इच्छा हो, लड़कों को भोजन करवाएं और उनको दक्षिणा दे करके विदा करें। इस तरीके से अपनी उद्यापन पूर्ण करें। जय श्री राम। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न जाके। अंजनि पुत्र महाबल दाई, संतन के प्रभु सदा सहाय, देवी रा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुद लाए, लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी की काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित परे सकारे, आन संजीवन प्राण उबारे, बैठ पताल तोर जमकारे, अहिरावन की भुजा उखारे, बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थाल कपूर लुछाई, आरती करत अंजना माई।